वास्तव समय से जिन्होंने समय निकालकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने का काम किया, ऐसे हमारे इस प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी और बालिकाओं को अति प्रेम करने वाले, महिलाओं के बारे में अति गंभीरता से विचार करने वाले ऐसे हमारे आदरणीय परम आदरणीय, और जिनके आपके सौभाग्य से ये ऐसा कनेक्शन जुड़ा कि मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम के लिए नामा कहते हुए हाँ कर गए, ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, यहाँ पर मौजूद हमारे बजना चाहिए, सब हो रही है बजना चाहिए, यहाँ पर मौजूद हमारे विधायक श्री देशराज खंडवाल जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास की हमारी राधा रत्नी जी, जिनका भी विशेष बालिकाओं के साथ में विशेष स्नेह है और वो विशेष सहयोग बालिकाओं का कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें देने का काम करती है, ऐसी हमारी राधा रत्नी जी, हमारे डायरेक्टर श्री रणबीर सिंह चौहान जी, जिनके आने पर और इस कार्यक्रम में बहुत कम समय उनको आए हुए हुआ और बहुत जल्दी हमने कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन वो बधाई के पात्र है कि उन्होंने एक सफलतम कार्यक्रम आज का आयोजन करने का काम किया। साथ साथ में मैं बधाई भी दूंगी आरती बलूची जी को भी, जिन्होंने बेहतर काम और आज जब ऐसा प्रतीत हो रहा वाकई उन्होंने तन मन और धन तीनों चीजों से काम करके दिखाया है। मैं अपने विभाग के सभी जितने मेरे अधिकारी हैं उन सबका भी यहाँ पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आपने इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर, बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत बनाने का काम किया, तो आप सबका आज इस कार्यक्रम में ढेर सारा स्वागत है और ढेर सारा आप सबका अभिनंदन है। बेटियों, मुख्यमंत्री जी के बाद में समय कम है, मैं भी संक्षिप्त में अपनी बात आपके मध्य में रखूंगी। मैं क्षमा चाहूंगी आदरणीय गोयल जी, वो भी इस कार्यक्रम को समय दे रहे हैं, उनके लिए भी हम आभार व्यक्त करेंगे। तो आज विभिन्न जिलों से आए मेरी बालिकाएं जो कि मेरे देश की, मेरे प्रदेश की भविष्य हैं, जो आगे चलकर इस उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगी। आप कुछ ना कुछ तो आपके अंदर विलक्षणता है कि आप 13 जिलों से आप लोग छन कर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उत्तराखंड की सरकार आपसे बहुत सारी उम्मीदें आपसे करे हुए हैं, आपके अभिभावक भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें आपसे करे हुए हैं कि आगे चलकर आप निश्चित रूप से उत्तराखंड और निश्चित रूप से भारत का नाम जरूर और जरूर और जरूर आप रोशन करने का काम करेंगी। ये आशा है मेरी सरकार आपको करीब होती है और उसी आशाओं को बल देने के लिए आज हम सब लोग बड़ी हिम्मत के साथ में, बड़ी और ऊर्जा के साथ में हम सब लोग जो है बड़े प्रयासों के साथ में आप लोगों को, क्योंकि अब समय जो आ गया है वो आधुनिकता का समय आ चुका है, अब जो समय आ चुका है वो डिजिटल इंडिया का समय आ चुका है, तो इस डिजिटल इंडिया से मेरे उत्तराखंड बोर्ड की पास आउट लड़कियां या मेरे उत्तराखंड बोर्ड से उत्तीर्ण कभी भी जो कि चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, जो कि चाहे वो जिले स्तर पर हो, उनको हम किस तरीके से इस आधुनिक और इस वैज्ञानिक और इस टेक्नोलॉजी से हम किस प्रकार से जोड़े, तो उसके लिए मैं समझती हूँ आज का ये टैबलेट वितरण का कार्यक्रम, आज का ये टैबलेट जो आपको आपके आगे के चलकर जो शिक्षा में आपके लिए बहुत सहायक हो सके, तो हम लोग उसी दिशा में हम लोग आपको टैबलेट देने का काम कर रहे हैं, ताकि मेरी बेटियों के लिए किसी भी कोई भी सीमाएं, ये टैबलेट आपके लिए गूगल का काम करे, ये टैबलेट आपके लिए एक नया मार्गदर्शक बने कि आप सब लोग जो है विश्व की विभिन्न प्रकार की जानकारियों से और जहाँ आप अभिभूत हो सके और ले सके और मार्गदर्शन आगे के लिए आप लोग प्राप्त कर सके। बच्चों, मैं जब आपकी तरह ही जब छात्रा थी तो मैं एक दो बिंदु पे आपसे बात कहूंगी कि जब छात्रा थी तो मैं स्कूल में बहुत सारे स्लोगन्स को पढ़ा करती थी और स्कूल में विभिन्न प्रकार के स्लोगन्स लिखा करते थे और मन में ये भी होता था कि वाकई कितनी ये अपीलिंग है, और कोई कोई स्लोगन तो ऐसा होता है कि जो आपके जीवन का सिद्धांत ही बन जाता है। मेरे को एक स्लोगन बड़ा प्रभावशाली लगा ये कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो मेरे जीवन में इतना इतना उसने काम किया कि कई बार जो है हम कई षड्यंत्र का शिकार होते हैं, चाहे छात्र का जीवन या छात्रा का जीवन हम जी रहे हों या सामाजिक जीवन जी रहे हों, लेकिन अंत में मैंने महसूस करा कि ऑनेस्टी ही जीतती है। ये मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण रूप से इस सिद्धांत ने काम किया और एहसास करा कि वाकई अंत में ईमानदारी की ही जीत होती है। इसी तरीके से आप लोग भी अपने विद्यालय में लगे, चाहे वह स्लोगन लिखे हों, चाहे वो आपके बोर्ड में टंगे हों, उनको पढ़ने का काम करें। उससे आपको निश्चित रूप से आपके नए जीवन के लिए, आगे के मार्गदर्शन के लिए आपको एक नई दिशा जरूर 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 मिलेगी, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी, मेरी माँ मेरी बहुत, जिस जमाने में हम पढ़ते थे तो उस जमाने में जो है बहुत कम लोग, और जिस वर्ग से मैं आती हूँ तो उस वर्ग में और उस जमाने में बहुत कम लोग 10th और 12th एक बार में ही कर लेते थे। और मैंने जब 10th किया तो मेरी माँ ने मुझसे बोला, और जब 12th कर लिया मेरी माँ ने भी और मेरे पिताजी ने बोला कि मेरी बेटी तो चांद सितारे तोड़ लाई, ये उन्होंने मुझसे कहा। और जब उनकी आशाओं का और उनके जो सोच थी उसको जब मैंने देखा कि मेरे प्रति कितनी आशाएं हैं, तो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया कि निश्चित रूप से जीवन में मैं कुछ ना कुछ, जो इन्होंने मुझे, जो मेरे प्रति इन्होंने सोचा है, निश्चित रूप से मैं उस दिशा में जरूर काम करूंगी। मुझे मालूम नहीं कि आज मैंने चांद सितारे तोड़े नहीं तोड़े, लेकिन मुझे ये जरूर आत्म खुशी होती कि मुझे सेवा करने का मौका जरूर। एक छोटी सी उक्ति भी है, जो आप अपने जीवन में यदि उतारेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्गदर्शन का काम करेगा। वो उक्ति क्या है? खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि ईश्वर आपसे खुद पूछे कि बताओ आपके भाग्य में मैंने क्या लिखना है। तो इतना काबिल आप लोग बनो, जब इस लाइन से आप चलोगे तो निश्चित रूप से जीवन में आप कुछ ना कुछ जरूर और जरूर और जरूर अचीव करोगे। एक और शख्स है जिसको मैं चाहूंगी कि आप अपने जीवन में उतारने का काम करें। हो सकता है मेरे बगल में जो बैठे हुए शायद उनका भी साइड इफेक्ट आया हो। मैं कर रही हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की। बाबा साहब का जीवन का जब आप अध्ययन करेंगे, इसलिए अध्ययन मत करना कि वो किसी वर्ग विशेष के हैं, वो वर्ग विशेष में तो आए लेकिन वो सब वर्गों के हो गए। वो कैसे? शिक्षा से। और उनके जीवन को अध्ययन करने की आवश्यकता आखिरकार क्यों है? क्योंकि ऐसा जीवन जिसके ऊपर बचपन से लेकर उम्र के आखिरी पड़ाव तक में, जब तक उनका जीवन शांत होता तब तक कि उनके जीवन का आप संघर्ष देखेंगे तो उस संघर्ष का 1% भी, 0.01% भी हमने सहन नहीं किया है कभी। किसी आज के इस समय में वो किसी छात्र ने या छात्रा ने स्कूल के बाहर शिक्षण या अध्ययन का कार्य नहीं किया होगा। कभी किसी छात्रा के साथ में भोजन के साथ करते हुए भेदभाव का सामना नहीं किया होगा। ओके, कभी नहीं किया होगा। साथ साथ में कभी किसी के साथ में, मैं समझती हूँ किसी भी छात्र या छात्रा के साथ में पानी को लेकर विवाद नहीं हुआ होगा। लेकिन बाबा साहब ने उस संघर्ष से आगे बढ़ते हुए कितना बड़ा दृढ़ संकल्प रहा होगा कि उस दृढ़ संकल्प ने और उस शिक्षा की अलख ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। और वो विदेश से बैरिस्टर बन गया है और साथ साथ में वो भारत के कानूनविद भी बने, भारत के संविधान के रचयिता भी बने। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है एक महान व्यक्तित्व की, जिसने बिल्कुल बेसिक लाइन पर वो संघर्ष सहन किया, जो संघर्ष हम लोग कभी अपने जीवन में हमने महसूस तक भी नहीं किया होगा। तो उनसे सीखने की आवश्यकता है। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा मार्गदर्शन का काम करेगा, ये मेरा आप सबसे अपील है। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना भी है, मैं अपनी बात को संक्षिप्त करूंगी, फिर भी एक लाइन फिर से दोहराऊंगी कि बेटियां सबकी नसीब में कहाँ होती है, बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती है, जो घर भगवान को पसंद हो सिर्फ वहां होती है। तो आप ईश्वर की कृपा से, आशीर्वाद से आप लोग आच्छादित हो। के पीछे है, उस ताकत के साथ आप बढ़ो। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जो अभिभावक आए हैं उनको भी, जो छात्र विभिन्न जिलों से आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आज का कार्यक्रम है, आज आप मुख्यमंत्री जी से इस टैबलेट को लेंगे तो निश्चित रूप से गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। मैं समझती हूँ निश्चित रूप से आप जो है आपके लिए आगे नई ऊर्जा का काम करेंगे। इस टैबलेट की विशेषता संक्षिप्त में, इसमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग ये है आपके लिए, आपके ऊपर हो रहे किसी भी प्रकार के अत्याचार की जो आपका कानून संरक्षण करता है वो इस ऐप में डला हुआ है। साथ साथ में आपकी जीके के रिगार्डिंग वो ऐप भी आपके इस टैबलेट में और इस आईबॉल के टैब में डला हुआ है। तो ये आपके लिए मैं समझती हूँ, और आपका सुरक्षा का भी, आपकी सुरक्षा का ऐप भी इस टैबलेट में डला हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है मेरे विभाग में एक फुल पैकेज करके आपको जो ये टैबलेट देने का काम किया, मेरी सरकार ने ये फुल पैकेज देके आपको टैबलेट देने का काम किया। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने बहुत कम, आपने जो है इस प्रोग्राम को समझे। ये बताता है कि बाकी आप बेचूस कितना प्रेम, कितना स्नेह करते हैं। मैं आपका दिल से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। अपने बेटियों को जो साहवर्धक बातें बताई, और अब मैं इसी क्रम में जो ये कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे उत्तराखंड राज्य के 13 जनपदों से आई हुई दूर दराज से जो बालिकाएं हैं, और वर्ष 16 की बालिकाओं के नाम का कार्य पुकार रही हूँ और एक एक करके आई। सबसे पहले नम्रता आनंद, बाबू पीछे पीछे तुम्हारा और सभी बच्चों से अनुरोध की तालियां बजती रहनी चाहिए। आप ही का सबका ये कार्यक्रम है, और इन टॉपर बालिकाओं के बाद आपको भी अपना यथास्थान वहीं पर वो आपके पुरस्कार मिलेंगे। पर है तुम्हारी परिता, जनपद परिता तपियल, जनपद उत्तरकाशी से, टीरागढ़ से यामिनी रावत, रीना, शिवानी पुरोहित, विजयलक्ष्मी गोस्वामी जो कि जनपद उधम सिंह नगर से है, मेघा कार्की जनपद पिथौरागढ़ से जो हमारा सबसे दूर जनपद है, तुम्हारी प्रियंका भट्ट, तुम्हारी अनुभव ओली। तालियां बजती रहनी चाहिए। आप सभी का ये कार्यक्रम है। आरती देवड़ी, जनपद बागेश्वर से है ये बालिका, कुमारी पल्लवी कांडपाल, मेरा पूरा अनुरोध बच्चों से, अभिभावकों से कि तालियों की गड़गड़ाहट। शिवानी पुरोहित, जनपद प्रयास से, उसके बाद उधम सिंह नगर से विजयलक्ष्मी गोस्वामी, विजयलक्ष्मी गोस्वामी, मेघा कार्की, प्रियंका भट्ट, प्रियंका अनुभा ओली, जनपद चंपावत से है, इनके बाद आरती देवी, जनपद अल्मोड़ा से पल्लवी कांडपाल, पल्लवी से हैं ये। वर्ष 2016 की बालिकाओं को प्राप्त हो चुके हैं। अब वर्ष 2017 में जो इंटरमीडिएट की टॉपर रही है, सबसे पहले आयुषी पटवाल, आयुषी पेटवाल जो जनता देहरादून से है, उनके अभिभावक को पुरस्कार ग्रहण करने आए हैं। तुम्हारी मेघा हरिद्वार से, तुम्हारी मेघा, अच्छा। उनके बाद अंजलि उनियाल, ये जनपद डेरी गढ़वाल से है। फिर पौड़ी गढ़वाल से कुमारी नीतू, जनपद चबोली से गरिमा सती। उसके बाद नेहा है डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से, जनपद रुद्रप्रयाग से गरिमा। नेक्स्ट है प्रिया सिंह, उधम सिंह नगर से प्रिया सिंह। उसके बाद प्रिया सिंह पिथौरागढ़ से कुमारी मैत्री कांडपाल, जनपद पिथौरागढ़ से मैत्री कांडपाल। जनपद नैनीताल से कुमारी दीक्षा जोशी। चंपावत से कुमारी निशा अतुल। हमारे बहुत ही सीमांत जनपद की। फिर बागेश्वर से है प्रियंका दानू, जनपद बागेश्वर की प्रियंका दानू, एक ही है। फिर जनपद अल्मोड़ा से है बबीता चाम्याल, बबीता चम्याल। सुरुचि, कुमारी सुरुचि, उनके अभिभावक आए हुए। और एक बार सभी जोरदार तालियों से, क्योंकि ये जो हमारे जनपदों की टॉपर रही हुई बच्चियां हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि बेटियों के उत्साहवर्धक कार्यक्रम के लिए। अरे जाओ भाई, भाई फोन लग जाए भैया, सामने सेट जी। अच्छा कैमरा कौन सा? सोनी भाई ठीक है भाई। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन में प्रदेश की महिला बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी, विधायक श्री देशराज शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महिला बाल विकास श्रीमती राधा रत्नी जी, अपर सचिव चौहान जी, सभी हमारे विनय गोयल जी हैं, अंजलि उनियाल जी हैं, सभी उपस्थित महानुभाव और प्यारे जो हमारी बेटियां हैं, खूबसूरत उत्तराखंड की खूबसूरत बेटियां हैं। और पत्रकार मित्रों, मैं बधाई देना चाहता हूँ सब बालिकाओं को, उनके शिक्षकों को, उनके अभिभावकों को। तीन बच्चों ने राज्य में एक विशेष स्थान प्राप्त किया है और आज राज्य सरकार के द्वारा इन बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए, और जो बच्चियां यहाँ पर नहीं हैं निश्चित रूप से उनको भी इससे प्रेरणा मिलेगी। मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, बहुत अच्छे तरीके से नियोजित किया है। प्रदेश के सभी जनपदों से मुझे बताया गया कि यहाँ पर बेटियां आई हैं, उनके अभिभावक आए हैं। तो आप लोगों को हो सकता है कुछ दिक्कत भी हुई होगी रास्ते में, कुछ लोग रात को आए होंगे यहाँ पर, उनके ठहरने की व्यवस्था रही होगी, घर में ज़्यादा अच्छा रहा होगा, यहाँ कुछ दिक्कत भी होगी, लेकिन इन सबको हमको भूल जाना है। जो दिक्कतें होती हैं उनसे हम इंस्पायर हो, उनसे हम प्रेरणा लें और उनसे हम सीखें, ताकि आने वाले समय की जो हमारी दिक्कतें हैं वो दूर हो सकें। आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा उद्बोधन माननीय मंत्री जी ने किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी राधा जी ने किया। अभी आप लोगों को मुझे पता चला है कि 2 घंटा और ये प्रोग्राम आपका यहाँ पर चलेगा, तो शायद भोजन तक होगा, तो बहुत कुछ अभी आपको और यहाँ पर सुनने को मिलेगा और अनुभव करने को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग उससे बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। जो आप लोगों को यहाँ पर ये दिया गया है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अब लड़कियों की आवाज ही यार, एक नाश्ता वास्ता ठीक से नहीं हुआ क्या है? वाह, हमारे लिए तो बहुत बड़ा तो करके लिया है, बहुत जोरदार नाश्ता रखा है यहाँ पर, खाया भी नहीं जा रहा है और आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही है। आएगी तो क्या है, क्या दिया आप लोगों को? अब एक ऐसी चीज आपको दी गई है कि सारी दुनिया कहाँ है, इंटरनेट में सब कुछ है, इसमें जो कुछ दुनिया में है वो सब कुछ इसके अंदर है, अच्छा भी है बुरा भी है। अभी हमको इसमें से हमको छांटना है, हमको चयन करना है कि हमको किसको आगे बढ़ाना है, ठीक है? सब कुछ है बेटा इसमें, बहुत अच्छा अच्छा भी है, बहुत भद्दा भी है, और इसलिए पहली चीज ये है कि हमको इसका सदुपयोग करना है। हम कुछ भी जानकारी अगर चाहते हैं, ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से, जो कि एक्चुअल से भी एडवांस है। अब आप कहेंगे कि एक्चुअल से भी एडवांस क्यों है? कुछ भी आजकल तो ऐसे ऐसे डिवाइस आ गई हैं कि आप, मैं भी, मेरी बिटिया एक, आप जैसे मेरी बिटिया है छोटी वाली, तो उसको भी थोड़ा शौक है इन चीजों का, तो उसने एक डिवाइस मंगवाई, तो उसमें कुछ भी पूछिए आप, वहां रख दीजिए, यहाँ से बोलिए निशा, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, तो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ USA, कुछ भी पूछो आपको जवाब देगी कि उत्तराखंड में कौन कौन से अच्छे देखने लायक जगह हैं, तो सब आपको बताता चले जाएगा। एक छोटा सा, इतना सा एक डिवाइस है, छोटा सा, इतनी एडवांस चीजें आ गई। अब उन एडवांस चीजों का हमको कैसे सदुपयोग करना है, वो सारी चीजें भी आपको इसमें मिल जाएंगी, ये सब बता देगा आपको, और इसलिए इसका हम लोग भरपूर सदुपयोग करें, ठीक है ना, भरपूर सदुपयोग करें। इसमें मुझे अभी बता रहे थे कि इसमें हमारे अधिकार क्या क्या है, इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि इसमें कर्तव्य क्या क्या है, ये नहीं बताया, मुझे बताया कि नहीं बताया गया, और न इन्होंने अपने भाषण में बोला। लेकिन सफलता तब मिलती है, अधिकारों के साथ साथ अपना कर्तव्य क्या है वो भी हमको जानना पड़ेगा। कर्म बात होती है, अधिकार अधिकार अधिकार, अरे भाई कुछ कर्तव्य भी तो है, कर्तव्य करोगे तो अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। और इसलिए अधिकार के साथ साथ अपने दायित्वों का बोध, हमारी जिम्मेदारी क्या है, और कुछ व्यवहारिक बातें। अब जैसे सब बेटियां छोटी छोटी हैं, माँ है, पिता है, उनका दादा 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 दादी नाना नानी भी घर में होंगे, है ना? तो कई बार क्या होता है, मैं एक बात कहता हूँ बच्चों से, अगर बच्चे के माँ ने लोटा रख दिया, गिलास रख दिया या जग रख दिया कहीं रास्ते में, और बच्चे की ठोकर लग गई उस पर, अब क्या बोलते माँ, क्या बोलते बताओ, है आंख देख नहीं सो सकती, ऐसा बोलते हैं। और माँ का लग जाए तो क्या बोलती है, रास्ते में रख दिया छोटी, हैं ऐसे बोलती हैं। अब ये चीजें ऐसी हैं, ये व्यवहार की चीजें, ठीक है ना? अब कोई अधिकार वाला कहेगा कि देखो गलती भी करते हैं माँ अपने आप, रास्ते में लोटा रख दिया, रास्ते में जग रख दिया, पानी का गिलास रख दिया, कांच का बर्तन रख दिया, मेरे हाथ से मेरे पैर से लग के फूट गया तो आँख नहीं देखती, ठीक से नहीं चल सकती, और अपने पैर से लग गया तो छोटी छोटी जगह ठीक जगह पे रख सकती। अब है ना, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, वो माँ है और छोटा क्या बेटी है या बेटा है। अब हमको इसमें सामंजस्य बिठाकर चलना, कब चुप रहना कब बोलना, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं कई, ये देखो हर आदमी अचानक नहीं हो सकता, हर आदमी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद नहीं हो सकता, हर महिला विद्योतमा नहीं हो सकती, ठीक है ना, गार्गी नहीं हो सकती, सीता नहीं हो सकती, लेकिन कोई बहुत उद्भट विद्वान ज्ञानी हो सकता है। लेकिन ज्ञानी ने जो प्राप्त किया अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, हम उसको अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत एक ऐसी चीज है, परिश्रम एक ऐसी चीज है कि जो हमको उस कमी को हम उससे दूर कर सकते हैं, अपने व्यवहार से उन चीजों को दूर कर सकते हैं, व्यवहार से अपनी उन चीजों को हम पा सकते हैं। और इसलिए मैं आप बच्चों से कहना चाहता हूँ कि इन चीजों पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। एक बार मैं बार बार एक बात कहता हूँ, मेरी लड़की थी 6वीं में पढ़ती थी, उसके साथ ही किसी बच्ची को टीचर ने क्या कर दिया, तो जरा वो कानून की वकालत कर रही है, मुझे लग गया था कि वकील बनेगी, तो कहने लगी, खाना खा रहे थे, कि पापा आज टीचर ने ऐसे किया। मैंने बेटा कोई पीटा तो इसलिए थोड़ी पीटा कि बच्ची को दुख पहुंचाने के लिए किया होगा, या उससे कोई उसकी नाराजगी है, दुश्मनी है, इसलिए तो पीटा होगा कि ठीक से पहुंच, या वो शोर कर रही होगी तो शोर मत करो, इसीलिए तो किया होगा। बोला किया तो इसीलिए, लेकिन क्या ये सही है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? इतनी छोटी लड़की 6वीं 7वीं की बच्ची, और ये संविधान की बात कर रही है, कानून की बात कर रही है। इस बात में भी सहमत है कि इसलिए नहीं पीटा कि उससे कोई नाराजगी थी, उससे कोई दुश्मनी थी, उसको पीटना था इसलिए नहीं पीटा, लेकिन क्या ये सही है कि गलत है? मुझे लगा ये वकील बनेगी, लॉ करेंगे। मैंने कह दिया की बातें, इसका मतलब क्या है, एक माता पिता से ज्यादा निर्भर करता है कि हमको बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि ये बच्चे टर्निंग पॉइंट पर है, ये बच्चे टर्निंग पॉइंट पर, कोई हाई स्कूल पास कर रहा है, कोई इंटरमीडिएट पास कर रहा है, ये टर्निंग पॉइंट है लाइफ में। जब बच्चे को निर्धारित करना होता है कि उसको किधर जाना है, बच्चे का ये बनने का भी समय है, बिगड़ने का भी समय, दोनों ये संधि काल है। और ऐसे में माता पिता को ये देखना है कि बच्चे की अभिरुचि क्या है, हम जबरदस्त इसके ऊपर ठोके वो भी ठीक नहीं। और इसलिए ये निर्णायक समय है, ऐसे समय पर हम सही फैसला लें, ऐसी मेरी आप सबसे कामना है। ईश्वर आप सबकी मदद करे ऐसी मेरी कामना है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।